आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है पराग कणों का बहुत वर्षों के लिए, ठीक है, यानी बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारण किया जा सकता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला -196 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है -80 डिग्री सेल्सियस, तीसरा -120 और चौथा -160। देखते हैं ये जो तकनीक है इसे कहते हैं क्रायो, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्रायो, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, इसे क्या कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये ऐसी एक तकनीक होती है जिसमें क्या करते हैं द्रव नाइट्रोजन को, ठीक है, द्रव नाइट्रोजन का उपयोग कर, ठीक है, द्रव नाइट्रोजन का उपयोग कर, अब ये द्रव नाइट्रोजन जो होता है ये तापमान को बहुत ज़्यादा घटा देता है, तो द्रव नाइट्रोजन का उपयोग कर -100, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, चाहे वो कोई ऊतक हो, ठीक है, चाहे वो कोई कोशिका हो या चाहे वो कोई जैसे कि परागकण हो, ठीक है, चाहे वो कोई परागकण हो या चाहे कोई आर्गन हो, ठीक है, इन सबको अंत मतलब जो कह सकते हो लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक, ठीक है, संरक्षित रखते हैं जिससे कि जब इनकी ज़रूरत पड़े तो इन्हें बिना किसी हानि के इन्हें निकाला सके और उनका उपयोग किया सके, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहला है -196 डिग्री सेल्सियस, ये सही हो जाएगा, बाकी 80 गलत हो जाएगा, 120 गलत हो जाएगा और 160 गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।